गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज आशिक हियर। आज रियल नंबर्स क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1 और उसी का 1.1 का मैंने पहले ही एक दो क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन कराया है यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का। अब बाकी क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ये उसी का पार्ट 2 है। तो बाकी क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जो थ्योरम नंबर 1.1 है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा जो बताती है a = bq + r वायर 0 इज लेस आर इक्वल टू r is less than b, ये थ्योरम है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा तब या बाकी क्वेश्चंस खुद ही कर पाओगे। वो बहुत सारे आसान है क्वेश्चंस, मगर पहले आपको ये थ्योरम आनी चाहिए। ये थ्योरम मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से ये थ्योरम क्या बोलती है, तो पहले आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, अब मैं ये सिखाने जा रहा हूँ आपको ये थ्योरम, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज आपके पास कोई नंबर है, ये जो थ्योरम है ना a इक्वल टू bq प्लस r, ये क्या है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये आपको ऑलरेडी पता है मगर मैं आपको बताऊंगा अब ये क्या है। देखिए, चलो आपके पास कोई नंबर का डिवाइड करना है, चलो मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैंने किया है 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, सपोज मैंने लिया 3 डिवाइडेड बाई 3, आपको डिवाइड करना है 3 डिवाइड बाई 3, तो आप कैसे करोगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लिखोगे 3 बाहर और रूट में आप लिखोगे 3, अब पढ़ो 3 वन जार 3, तो आप लिखोगे 3 वन जार 3, राइट, आप लिखोगे 3 वन जार 3, 3 में से 3 गए तो बना 0। आपको मैंने एक चीज सिखाया है जिसको हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, राइट, ये मैंने आपको सिखाया है उस दिन, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ओके, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जिसको जिससे हमने इसको किया, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, डिवाइजर, डी आई वी आई एस ओ आर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, राइट। ओके, जो ऊपर में आता है इसको हम बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, Q U T I E N T, क्वेश्चन। ओके, और जो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, और जो लास्ट में बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, राइट, बताया कि नहीं बताया डियर फ्रेंड्स, हाँ ये बताया मैंने, रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। अब आपको एक चीज मालूम है, रिमाइंडर, अब आपको एक चीज मैंने बताया था उस दिन, क्या बताया था डियर फ्रेंड्स, किसी को याद है, हाँ मैंने क्या बताया था, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, वो डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये भी मैंने आपको एक चीज फार्मूला बताई थी, राइट, बताई थी कि नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 इनटू 1 दैट इज 3 प्लस 0 दैट विल अगेन बिकम 3। ये आपको मैंने उस दिन सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था, ये आपको मालूम ही है। चलो मैं क्या करता हूं, ये जो डिविडेंड है, सपोज ये जो डिविडेंड है मैं इसको डिनोट करता हूं, चलो इसको मैं ए से डिनोट करता हूं। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं ए से डिनोट करता हूं, चलो डिविडेंड का हम नाम रखते हैं ए, डिविजर जो है, ओके डिविजर, ओके डियर फ्रेंड्स, मैंने डिविडेंड को ए से डिनोट किया, चलो ये जो डिविजर है या डिवाइजर जो भी आप बोलोगे इसको, इसको हमने डिनोट किया है बी से। ओके, तो जब मैं ए बोलूंगा इसका मतलब डिविडेंड, जब मैं बी लिखूंगा उसका मतलब डिवाइजर, कोशेंट, कोशेंट को मैं डिनोट करूंगा माय डियर फ्रेंड्स क्यों से, किससे करूंगा, क्यों से मैं इसको डिनोट करूंगा। ओके, और बाकी बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैं आर से डिनोट करूंगा डियर फ्रेंड्स, इसको मैं आर से डिनोट करूंगा। ओके, तो मैंने क्या किया, डिविडेंड को ए से डिनोट किया, डिवाइजर को बी से डिनोट किया, क्वेश्चन को आर से डिनोट किया, रिमाइंडर को आर, क्वेश्चन को क्यों से डिनोट किया और रिमाइंडर को आर से डिनोट किया। अब यहाँ पे आप ये फार्मूला देखो, डिविडेंड के बदले में क्या लिख सकता हूँ डियर फ्रेंड्स, डिविडेंड के बदले में ए लिख सकता हूँ, राइट, इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर के बदले में बी लिख सकता हूँ, इनटू क्वेश्चन के बदले क्यू लिख सकता हूं, राइट, प्लस रिमाइंडर के बदले
आर लिख सकता हूं, राइट फ्रेंड्स. ओके, सो ए इज इक्वल टू, सो ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू बी इनटू क्यू बिकम्स बी क्यू, राइट. बी इनटू क्यू बिकम्स बी क्यू प्लस आर विल कम एज इट इज. सो आर ऐसे ही आएगा. तो क्या बना आपके पास फार्मूला, a is equal to b क्यों plus r. अब ये कोई नई फार्मूला है क्या फ्रेंड्स? नहीं, ये नई फार्मूला नहीं है, ये वही है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर जर बी कोशन प्लस रिमाइंडर, यही बताती है थ्योरम 1.1. आप देखो यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ पे आप देखो a is equal to b क्यों plus r, a is equal to b क्यों plus r. मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. मगर ये क्या है, ये 0 is less or equal to r is equal to b, इसका मतलब ये जो रिमाइंडर आता है ये या तो 0 आंसर आएगा हमेशा, या डिवाइजर से नीचे आएगा. याद रखना, या तो ये 0 आएगा रिमाइंडर हमेशा, या डिवाइजर से 0 आएगा, ये कभी डिवाइजर के बराबर नहीं आएगा. याद रखना, ये हमेशा डिवाइजर से नीचे आएगा या 0 आएगा. मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं. सपोज मैंने किया यहां पे 9 डिवाइडेड बाय, आपको करना है भी 4, 9 डिवाइडेड बाय 4, तो आप लिखोगे 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 डिवाइडेड बाय 9, पर 4 बचा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 वो ज्यादा होगा तो 4 2 8 करेंगे डियर फ्रेंड्स. 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, बचेगा 1, 9 में से 8 गए तो बचा 1. अब आप यहां पे देख सकते हैं जो रिमाइंडर है r, वो 1 निकला, वो क्या है, वो डिवाइजर से कम है, राइट, डिवाइजर से कम है. याद रखना, जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से कम आता है या 0 आता है, डिवाइजर से कभी ज्यादा नहीं आ सकता रिमाइंडर, वो आपको याद रखना है. इसी का मतलब वही है कि रिमाइंडर जो है यहाँ पे ये या तो 0 होगा या बी यानी कि डिवाइजर से कम होगा. यही है यूक्लिडियन दिलेमा का थ्योरम नंबर 1.1. यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई है तो हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे. आपको ये समझ आई माय डियर फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. ओके ओके डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरम 1.1 यूक्लिडियन डिविजन लेमा की जो थ्योरम है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी. अब हम क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और अब आपको ये अच्छे से समझ आएगा डियर फ्रेंड्स. ओके, तो ये बोलता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर. ये क्या बता रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ये हमको शो करना है, प्रूव करना है व्हाई क्यू इज सम इंटीजर, क्यों कोई भी इंटीजर है. ओके, तो हम अब क्या लिखेंगे, अब आप देखिए फ्रेंड्स, मैं बोलूंगा द गिवन फॉर्म इज, जो आपके पास गिवन फॉर्म है वो उधर से ही दिया है. क्या दिया है, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5. अब हम कौन सी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, EDL की. तो मैं लिखूंगा फ्रॉम EDL, Euclid's division lemma. क्या बोलता है Euclid's division lemma? मैंने अभी आपको सिखाया, A is equal to B क्यू प्लस R, A is equal to B क्यू प्लस R, और बताया जो remainder होता है जो remainder होता है वो या तो 0 होता है, वो या तो 0 होता है या डिवाइजर से कम होता है, वो डिवाइजर हम किससे लिखते हैं, ए से. तो ये आपने भी सीखा कि जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होगा या डिवाइजर से कम होगा, जो मैंने भी आपको बताया. और यूक्लिडियन डिविजन की फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर जर बी कोशन प्लस रिमाइंडर. अब यहाँ पे आप देखो हियर, अब ऊपर आप देखो द गिवन फॉर्म इज 6q+1. अब आप यहाँ पे देखो 6q+1, आप कंपेयर करो इसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करो, तो यहाँ पे लिखा है 6q+1 मगर एक्चुअली में है बी क्यू प्लस आर, तो b के बदले क्या है, b के बदले 6 है, तो मैं लिखूंगा हियर b इज इक्वल टू 6s, हियर b इज इक्वल टू 6. देखो ये बी क्यू प्लस वन है, इसका मतलब 6q+1, 6q+3, 6q+5. सो b के बदले हमको समझ आया कि b के बदले क्या है, 6 है. ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं r क्या है, अब हम देखते हैं r क्या है. सो r इज इक्वल टू, आप पहले में देखो r क्या है, 6q+1, तो r पहले में क्या है, bq+r, यहाँ पे लिखा है 6q+1, तो पहले में r है
वन, फिर मैं लिखूंगा कॉमा, दूसरे में देखो आर क्या है, दूसरे में आर क्या है, 6Q+3, 6Q+3, सो दूसरे में आर है 3, माय डियर फ्रेंड, समझ आ रहा है ना, तो तीसरे में क्या है, BQ+R, तो तीसरे में आर है 5, सो आर के कितने वैल्यूज है आपके पास, 3 वैल्यूज है, पहले आर 1 है, फिर आर 3 है, फिर आर 5 है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम अब देखेंगे क्या आंसर आएगा हमको, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फिर आप लिखोगे केस फर्स्ट, पहला केस हम लेते हैं, पहला केस में क्या लेंगे, बी दिया है 6 एंड आर हम पहले केस में क्या लेंगे, आर हम लेंगे 1, आर हम लेंगे 1, ये समझ आया आपको, वेरी गुड, अब आप मुझे बोलो ए इज इक्वल टू, ए किसके बराबर होता है, बी क्यू प्लस आर, ए किसके बराबर होता है, बी क्यू प्लस आर, सो ए इज इक्वल टू, ए किसके बराबर आएगा, ए इज इक्वल टू बी, बी के बदले आप डालो सिक्यस, सिक्यस राइट, सिक्यस और क्यू तो ऐसे ही रहेगा प्लस आर, आर के बदले क्या डालना है, 1 डालना है, तो इसका, इसको हम नाम रखेंगे, ये जो भी आया इसका हम नाम रखेंगे, चलो ये फर्स्ट है, चलो ये फर्स्ट है, या इसका मैं ए नाम रखता हूँ, या कोई भी रख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसका के, चलो इसका नाम को आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने इधर दिया, चलो मैं 1 ही देता हूँ, या आई पार्ट देता हूँ, चलो इसका नाम मैं देता हूँ आई पार्ट, ओके हाँ ठीक है, दूसरा केस हम चलो नीचे ही लेंगे, हमको अपनी मर्जी है, तो पहला केस हो गया, अब हम लेंगे दूसरा केस, सॉरी तो केस हम कैसे लिखेंगे, सी एस सी केस सेकंड, केस सेकंड हम कैसे लेंगे डियर फ्रेंड्स, अब बी तो वही है, बी तो सिक्स सी है राइट, बी इज इक्वल टू 6 एंड आर अभी हमने 1 लिया, अब आर का वैल्यू क्या लेना है, आर क्योंकि आर के पास 3 वैल्यू है 1, 3 एंड 5, अब आर का वैल्यू आपको लेना है 3, आर का वैल्यू लेना है 3, तो फिर से लिखते हैं आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सो a इज इक्वल टू बी, बी के बदले क्या डालोगे, 6 ही डालोगे, q तो q ही रहेगा प्लस आर के बदले भी डालना है 3, इसका नाम आप रखो सेकंड, इसका नाम आप रखो माय डियर फ्रेंड्स सेकंड पार्ट, इसका नाम आप रखो सेकंड पार्ट, समझ आ रहा है ना, हाँ मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा है, अब हम लेंगे थर्ड वाला केस, हो गया दो केसेस, केस थर्ड हम लेंगे, केस थर्ड में क्या लेंगे, बी तो फिर से लेंगे हम 6, बी तो हम फिर से लेंगे 6 एंड आर कितना लेंगे डियर फ्रेंड्स, आर इज इक्वल टू 3, अभी 3 नहीं, आर अभी 5 लेना है आपको, तो फिर से लिखना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, अब नीचे आएगा a इज इक्वल टू बी, बी तो 6 आएगा, q तो q ही आएगा प्लस आर अभी 5 आया, तो इसको हम रखते हैं नाम थर्ड, इसको हम नाम रखते हैं थर्ड, अब आप देखो माय डियर फ्रेंड्स, आप फर्स्ट भी देखो, सेकंड भी देखो, थर्ड भी देखो, क्या पता चला कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो किसके फॉर्म में निकला, 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, ये हमारा प्रूव हुआ माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, अब आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है जो मैं आपको बताता हूं, जो मैं आपको बताता हूं क्या आपको लास्ट में लिखना है, लास्ट वाली लाइन आपको लास्ट में ये लिखना है, मैं बताता हूं, पहले मैं लिखता हूं फिर आपको मैं बताता हूं क्या लिखना है आपको डियर फ्रेंड्स, ओके मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या करता है, क्या आपको क्या लिखना है लास्ट में, मैं आपको भी बताता हूं, अब आपको क्या लिखना है लास्ट में, अब मैं आपको बताता हूं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी हैव सीन दैट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी हैव सीन दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q+1 और 6Q+3 और 6Q+5 वायर क्यू इज सम इंटीजर, सो ये आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी है, ओके समझ आया माय डियर फ्रेंड्स, हाँ तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमको पता चला कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 के फॉर्म में आता है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, अब मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन
अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं आते ये क्वेश्चन समझ, प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं आपको वहां पे अच्छे से फिर से बता पाऊंगा। तो अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं और एक क्वेश्चन पे डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर टू समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। एन आर्मी कॉन्टेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स इज द कंडीशन। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ओके, अब आपको मैं पहले ये प्रॉब्लम समझाता हूँ ये क्या है। ओके, ये प्रॉब्लम क्या है, देखो क्या है ये प्रॉब्लम। एक आर्मी बैंड है, ओके, एक बैंड है, एक बैंड है, इसमें कितने मेंबर्स है डियर फ्रेंड्स, इसमें 32 मेंबर्स है। और एक आर्मी कॉन्टेंजेंट है, मैं लिखता हूं ए सी, मतलब आर्मी कॉन्टेंजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स है। ओके, 616 मेंबर्स आर देयर इन आर्मी कॉन्टेंजेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो दो है, आर्मी बैंड और आर्मी कॉन्टेंजेंट है, जिसमें एक में 32 मेंबर्स है, एक में 616 मेंबर्स है, इनको हमको दो ग्रुप्स में ऐसे अरेंज करना है कि हर एक के सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाए। मतलब ऐसे जब हम किसी को अरेंज करते हैं इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और ऐसे अगर हम करें उनको हम रोज बोलते हैं। ओके, सो इनमें इनको हम ऐसे अरेंज करना है दो ग्रुप्स में कि इसमें भी उतने कॉलम हो जाए, इसमें भी इतने कॉलम हो जाए। और क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स बनेंगे दोनों में, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे जिनसे हम इनको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, जिनसे हम इनको अच्छे से मार्च कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम लिखा है, अगर मैक्सिमम लिखा है क्वेश्चन में इसका मतलब हमको हाईएस्ट कॉमन। ओके फ्रेंड्स, सो अगर क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो इसका मतलब ये है कि हमको एचसीएफ निकालना है ऑफ 616 एंड 32। अगर मिनिमम लिखा होगा क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तब हमको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम या एलसीएफ, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम, तो हमको निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो हम कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है हम निकालेंगे किससे, By using Euclid's division algorithm या Euclid's division lemma, okay? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो द क्या लिखूंगा मैं, द HCF ऑफ किस किस का HCF हम निकालेंगे, किस किस का फ्रेंड्स, 616 एंड 32, HCF ऑफ 616 एंड 32 will give us the solution, यही हमको solution देगा जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको HCF of 616 and 32 करेंगे, HCF of 616 and 32। अब इसका HCF कैसे करना है, वही जो मैंने आपको सिखाया Euclid's division algorithm। तो आप क्या करोगे, पहले जो बड़ा है 616, ये किससे बड़ा है, 32 से बड़ा है, तो पहले ये लिखोगे। दूसरा स्टेप क्या बोला मैंने, फिर आप लिखोगे apply, right? apply EDA, Euclid's division algorithm to 616 and 32. फिर लिखोगे नीचे 616 is equal to, अब 32. Okay friends, अब क्या करना है, अब हमको 32 बाहर रखना है। okay? 32 बाहर रखना है और अंदर में रखना है हमको 616, right? 616 अंदर रखना है, तो 32 यहाँ पे दो डिजिट्स है, तो इसीलिए हम दो डिजिट्स को पहले करेंगे। 32 वन जार 32, 32 टू जार 64, वो ज्यादा होगा, तो 32 वन जार बिकम्स 32। ओके डियर फ्रेंड्स, 32 वन जार 32। अब 11, एक से तो दो नहीं जाएंगे, एक इधर गया बना 11, 11 में से दो जाएंगे तो बना 9, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गए तो बना 2, राइट, बना 2। ऊपर से क्या गिरेगा माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर से 6 गिरेगा। अब हम किससे करते हैं, अब हम करेंगे इसको 9 से डियर फ्रेंड्स। ओके, अब हम इसको करेंगे डियर फ्रेंड्स 9 से, अब बोलो 9 टू जार 18। ओके, 1 कैरी, 9 थ्री जार 27 एंड 1 इज इट विल बिकम 28 डियर फ्रेंड्स, राइट, इट विल बिकम 28। अब बोलो
यहां से ए किधर गया बना 16 16 में से 8 जाएंगे तो बना 8 राइट 8 में से 8 गया 0 2 में से 2 गया तो 0 तो यहां पे बचा लास्ट में 8 अब आपको पता है अब आपको क्या लिखना है डियर फ्रेंड्स अब आपको लिखना है यहां पे 616 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर आया 8 अब रिमाइंडर 0 आया नहीं आया तो आप देखोगे रिमाइंडर is not equal to 0 जब remainder 0 नहीं आया इसका मतलब फिर से करना पड़ेगा अब हम लिखेंगे फिर से apply EDA to किस किस को करना है अब divisor and remainder का मतलब 32 and 8 ये मैंने already आपको सिखाया है right तो अब आप लिखोगे नीचे 32 is equal to अब आप 8 से 32 को करोगे right अब आप 8 से 32 को करोगे तो आप लिखोगे 8 divided by 32 8 divided by 32 अब पढ़ो 8 1 जार 8 1 जार 8 8 2 जार 16 8 3 जार 24 8 4 जार 32 right 8 4 जार becomes 32 32 में से 32 जाएंगे तो बनेगा 0 okay 32 में से 32 जाएंगे तो बनेगा 0 अब 32 is equal to divisor divisor कितना बनेगा 8 divisor बने so 32 किसके बराबर divisor divisor है 8 into sorry one second so 32 is equal to divisor है 8 into dividend into quotient is 4 plus remainder कितना आया 0 so remainder आया 0 आपको लिखना है remainder is equal to 0 जब remainder 0 आया तो 0 कब आया remainder जब हमारा divisor क्या था 8 इसका मतलब 8 is the आंसर अब लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है वो क्या लिखनी है वो मैं आपको बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स वो लाइन आपको लिखनी है ऐसे ओके आपको लाइन ऐसे लिखनी है देखो आपको क्या लिखना है लास्ट में अब आंसर के लास्ट में आपको ऐसे लिखना है तो आप क्या करोगे आप ये वाली लाइन लास्ट में लिख देना द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच ए कैन मार्च इज क्या आया आंसर किससे हुआ लास्ट में 8 सो दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसको ये समझ नहीं आया वो मेरे WhatsApp ग्रुप पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है तो वहां पर भी मैं बता सकता हूं ये 8 कैसे आया मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि LCF कैसे निकालते हैं भाई Euclid's division algorithm तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स ओके दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आया होगा अब एक नोट है यहां पे वो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फॉलो द सेम कांसेप्ट एज क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें वही कांसेप्ट लगता है जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है सो 4 एंड 5 विल बी योर होमवर्क सो 4 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी होमवर्क है जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही वो भी करने हैं वो दो क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ नहीं आए होंगे अगर समझ नहीं आए कैसे करने हैं मैं नोट्स में वो दे दूंगा वो क्वेश्चंस 4 एंड 5 नोट्स में मैं करूंगा मगर आपको वो खुद करने पड़ेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ओके तो हम मिलते हैं नए वीडियो में नया कांसेप्ट लेके तब तक अल्लाह हाफिज एंड इफ यू लाइक माय चैनल डू सब्सक्राइब लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स थैंक यू हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स